हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूँ आप लोगों का फेवरेट यूट्यूबर दी पॉइजनर। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक क्लैश चैलेंज कर दिखाने लगा हूँ। क्लैश ऑफ क्लैन में जो एक क्लैश चैलेंज आया हुआ है, इसके ऊपर हम प्ले के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप सामने ये बेस देख सकते हैं, एक गोब्लिन बेस है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो ग्रैंड वार्डन है उसका जो उसको ग्राउंड पर करके आपने यहाँ पर डिप्लॉय कर देना है। उसके बाद आपने ये जो आर्चर हमारे पास है इसको इस तरफ इस कॉर्नर में आपने इसको डिप्लॉय कर देना है ताकि ये इस कॉर्नर से क्लीन अप करती रहे। आपने ये ध्यान रखना कि जहाँ को मेरा ग्रैंड वार्डन जा रहा है वहीं पर आपका ग्रैंड वार्डन जाए आगे वाली साइड को। जैसे कि ये आगे वाली साइड को ग्रैंड वार्डन हमारा चला गया तो आपने यहाँ पे बारबेरियन किंग को डिप्लॉय कर देना है। ये हमने बारबेरियन किंग को डिप्लॉय किया तो देखें ये आगे चीज़ें तोड़ने लग जाएगा, आगे ये कैनन को डिस्ट्रॉय करेगा। तो इसी तरह ये बारबेरियन किंग इस ग्रैंड वार्डन की हीलिंग के अंदर रहे, आपने ये ध्यान रखना है, क्योंकि वो जो क्लैन कसल वाले ट्रूप्स हैं वो गोब्लिन्स उसके अंदर स्नीकी गोब्लिन्स निकलेंगे तो वो फिर हम ग्रैंड वार्डन की एबिलिटी और किंग बारबेरियन किंग की एबिलिटी दोनों की एक साथ हम डिप्लॉय करेंगे, एक साथ हम एबिलिटी उनको देंगे तो वो जो स्नीकी गोब्लिन्स हैं उनको मार देंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने अभी अपने रॉयल चैंपियन को नहीं छोड़ना, ये निकला है तो हमने दोनों की एबिलिटी दे देनी है, ये बारबेरियन किंग की भी एबिलिटी दे दी। तो ये आपने ये स्नीकी गोब्लिन्स को देखना है कि जो स्नीकी गोब्लिन्स हैं ये पहले मर जाएँ, उसके बाद हम अपना रॉयल चैंपियन डिप्लॉय करेंगे, क्योंकि रॉयल चैंपियन जो है वो उनको मारने लग जाएगा तो रॉयल चैंपियन तो फिर खुद ब खुद ही मर जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अब हमारी बारी है रॉयल चैंपियन की, तो हम यहाँ पर रॉयल चैंपियन डिप्लॉय करते हैं सेडन टेस्ला के पास ताकि ये जो यहाँ से डिफेंसेस हैं इनको तोड़ना शुरू करे। ये यहाँ से कैनन और यहाँ से फिर हेडन टेस्ला, ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें हमारी तोड़ता जाएगा, ये डिफेंसेस तोड़े। ये देखें कितने ज़्यादा हेडन टेस्ला वो जो निकला है हेडन टेस्ला। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा जो रॉयल चैंपियन है हेडन टेस्ला को तोड़ा है, ये एक हेडन टेस्ला गया। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने तो आज देखा यहाँ पर कि गोब्लिन यहाँ से गोला मारता है, ये अभी गोले गोले वाले को मारते हैं। इधर हमने क्वीन की एबिलिटी दे दी है, उसके बाद ये रॉयल चैंपियन है इसकी एबिलिटी अब दे देते हैं ताकि हमारी जो चीज़ें ये आहिस्ता आहिस्ता टूट जाएं। आप पीछे देख सकते हैं हमारे पास क्वीन की एबिलिटी क्वीन की पावर भी है, अब ये रॉयल चैंपियन को मारने लगे, क्वीन को ही मारता रहता रॉयल चैंपियन ने, तो आगे डिफेंसिस भी अभी तोड़ने हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं टोनेटो निकल के यहाँ पर इसने रॉयल चैंपियन का काम ख़राब कर दिया, ये आहिस्ता आहिस्ता भागे जा रहा है। चलो कोई नहीं, आगे चला गया हमारा, ये वाला डेंटा सला टूट जाए, ये टूट गया एंड टेस्ला, और अब इसकी आधी पावर हो जाएगी। देखें क्योंकि एक ही ये हिट मार सकता था अब आगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास क्वीन की एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वीन की एबिलिटी कह रहा हूँ, क्वीन की पावर यहाँ पर बहुत ही अभी है तकरीबन कि हमारा बेस ये निकल जाए। अब यहाँ पर देख सकते हैं यही एंड टेस्ला भी फोत हो गया, मर गया। अब यहाँ पर आगे हमारे यहाँ से पॉइजन से निकल रहे हैं, अब ये हाउस को तोड़ेगा और लेवल वन की जो कैनन है वो कितना ही मार पाएगी क्वीन को, अभी इसकी पावर पड़ी हुई है। आगे यहाँ पे सिर्फ एक हिडन टेस्ला रह गया, तो हिडन टेस्ला को मार कर तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा बेस ये ख़त्म हो चुका है और हमारा ये 3 स्टार यानी 100% अटैक हो चुका है। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि आने वाली न्यू इवेंट्स और वगैरह फलाना की चीज़ें हम यहाँ पर पोस्ट किया करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।